तो भैया आज की जो वीडियो शुरू होने वाली है, आज हम जाने वाले हैं सिनेमा हॉल में। और वो कोई ऐसा वैसा सिनेमा हॉल नहीं है, आपने आईनॉक्स, पीवीआर, सिनेपोलिस, राजहंस काफ़ी सारे सिनेमा हॉल देखे होंगे, लेकिन ये कुछ यूनिक है। आपको थंबनेल में पता चल गया होगा इसका इंटीरियर कैसा है, बाकी हम वहाँ जाके बताएंगे। मेरे साथ है ज्योति। ज्योति, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी मूवी देख के पता चलेगा जहाँ पे हम जा रहे हैं, जिस सिनेमा में जा रहे हैं हम। और हमारी टिकट टाइमिंग है 4:30 बजे की, और अभी टाइम हो रहा है 2:30, तो थोड़ा सा घूम लेंगे। बहुत दिन से हम बाहर भी नहीं गए, तो आज बहुत मजा आने वाला है। और हमारे साथ में एक और मेंबर है, वो है सनी। हाँ, तो सनी भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और वहाँ पे पिक्चर देखेंगे जब, और मजा आएगा। चलो चलते। लेकिन सनी को ये नहीं पता मूवी कौन सी है, पर बस इसको मजा आने वाला है, वैसे पता मुझे भी नहीं है। निकल रहे हैं हम, कोने पे खड़ी है हमारी ओला, वेट कर रही है। अरे इसको बोलो जल्दी आए। और मैं उस सिनेमा में पहली बार जा रही हूँ, मुझे नहीं पता वहाँ का एक्सपीरियंस कैसे होगा, लेकिन सचिन वहाँ पे गया हुआ, तो देखते हैं। जब सचिन कह रहा है अच्छा है तो अच्छा ही होगा। तो अब हम निकल गए हैं ओला की ओर। इतनी कठिनाई है हमारी गलियों में, तो हमारी ओला जो है बाहर खड़ी है, और ये 6 महीने से गली ऐसी है, देख लो। बेसमेंट देखना होगा, और ये बेसमेंट। तो हमारे ओला वाले भैया जो है शायद रोड क्रॉस करके खड़े होंगे वो, और बहुत धूप भी हो रही है भाई, हम फिर भी जाएंगे। रीट है, हम छाव में खड़े हो जाएंगे लेकिन जाएंगे। वो तो कह रहे थे आ गए ओला वाले ने हमको पागल बनाया, अभी नहीं आया भाई। धूप इतनी भयंकर है ना, इसके पीछे छुप के खड़ा होना पड़ रहा है, वरना धूप देख लो, देख रहे हो, वरना धूप देख लो। कहाँ छुपे हम, इसके नीचे लेट जाएंगे अगर यहाँ भी धूप आ गई तो। 2 मिनट में आने वाला है, बस 2 मिनट में। 2 मिनट में जो है हमारे ओला वाले भैया आने वाले हैं, पता नहीं तेज करा देंगे, 12 पे चलवा देंगे। पता नहीं 2 मिनट में आएंगे, 200 मिनट में आएंगे, मेरे ख्याल से 8 हो रहे हैं, पता नहीं, इंतजार करते। लेकिन बहुत धूप है यार इधर। तो 10 मिनट इंतजार करने के बाद हमारी आ गई है ओला। से पहले हमारा पोपट हुआ था, क्योंकि उसने कैंसिल कर दी 10 मिनट इंतजार करवाने के बाद। मन तो कर रहा उसको दोनों पकड़ के, पता नहीं ओला वाले ऐसे भी करते हैं यार। उसके बाद हमने एक और ओला करी, वो कह रहा है कि मैं नहीं जा रहा, मैं बहुत दूर हूँ। अभी तीसरी ओला है, पता नहीं आ रहा है या पोपट करेगा दोबारा। मेरे को तो लग रहा है यहीं से घर जाना पड़ेगा वापस, मेरे को लग रहा है यही है मूवी। वो चले गए हैं आगे, और कितना चले भाई, कितना चले, क्या फायदा ओला बुक करने का ये बताओ मेरे को। वो सफेद बस दिख रही है आपको, वहां तक जाना है। वैसे ओला क्यों है? ताकि वो हमें लेके जाए, हमें नजदीक से। मतलब इतना चलने के बाद भी हमारे पास ओला है तो कैसे चलेगा भाई। ओला वाले का फोन आ गया, वो जो मैंने ओला कर रखी थी ना, उसका भी फोन आ गया। अब नहीं उठाऊंगी मैं, अब मैं उसको वेट करवाऊंगी और भी कैंसिल कर दूंगी। नहीं ऐसे नहीं करूंगी यार, बेचारा इतनी दूर आएगा। लेकिन यह है कि हमने 2 ओला बुक करी थी, उन्होंने कैंसिल कर दी। एक ने तो 10-15 मिनट वेट करवाया, वो भी है धूप में, ट्रक के पीछे छुप के खड़े थे हम। फाइनली हम अपनी मंजिल के बहुत नज़दीक है, ऐसा लग रहा है जन्नत मिल गई। इंतजार करने के बाद फाइनली आ गई। चलो सीरियसली बहुत धूप है बाहर, अभी हमें पहुँचने में भी लगेंगे कम से कम 45 मिनट समथिंग। भैया को कुछ कन्फ्यूजन है, ये नहीं पता लेकिन क्या कन्फ्यूजन है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, अभी हमारा सफर नहीं होगा खत्म। भैया को CNG करवानी है, आज पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। बाहर भी वेट, उधर भी वेट, इधर भी वेट। तो मजबूरन हमें करनी पड़ी दूसरी ओला, क्योंकि CNG में लग रहा था बहुत टाइम, देखो कितनी लंबी लाइन है CNG की, तो इसलिए हमने दूसरी ओला करी हमने। मुझे उतार के चलाना ताकि मैं वीडियो बना लूँ आपकी। तो अभी हमने दूसरी ओला करी, और भैया कह रहे हैं अभी हमें पहुँचने में टाइम लगेगा 42 मिनट, और टाइम हो चुके हैं 4:30। तो भैया कह रहे 4 बजे गाड़ी लगेगी, 4 बजे गाड़ी लग जाएगी वहाँ पे। देखते हैं भैया का एक्सपीरियंस, देख लेते हैं भैया को भी, देख लेंगे 4 बजे गाड़ी लग जाएगी। 4 बजे पहुँचने खड़े हो, खाली कर दो सड़क के साथ। 4 बजे पहुँच के रहेंगे, इतना टाइम हो गया, 3:33 हो गए, 27 मिनट बचे हैं, और अंकल ने वादा किया था, और अभी भी 40 मिनट का रास्ता दिखा रहा होगा अंकल की ओला में। मेरे को लग रहा है अंकल पायलट तो नहीं थे पहले। अभी तो आपने नॉर्मल लेके ड्राइविंग कर लो, मतलब ड्राइविंग कर लो, अरे गाड़ी लेकर के तो कोई सी गाड़ी आ जाए, वो भी फीचर आ जाएगी। बात गाड़ी की होती है, बात ड्राइवर की। अंकल निकले बड़े हैवी ड्राइवर, अंकल ने हमें छोड़ा है 4 मिनट पहले। देखो पहली बार ओला में इतना मजा आया होगा, पहली बार इतनी इंटरेस्टिंग,
मतलब अंकल दोबारा मिलेंगे कभी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो अंकल बाय कर दो, फिर मिलेंगे। और हमें जाना ही वाली बिल्डिंग में, अंकल ने हमें बोर नहीं होने दिया, सीरियसली बिल्कुल भी बोर नहीं होने दिया। और बहुत मजा आया अंकल के साथ, अंकल ने जो कहानी सुनाई है ना अपनी, अंकल के साथ जो जो हुआ वो सब शेयर किया, पूरे रास्ते इंजॉय करते आए, मस्ते आए। मेरे को लग रहा है मूवी वूवी छोड़ो, दोबारा अंकल के साथ ही चलते हैं। सीरियसली बहुत मजा आया अंकल के साथ। यहाँ पे कितनी घुटन सी है ना, देखो यहाँ बाहर ओस पड़ रही है, नवंबर दिसंबर वाले एरिया में आ गए। क्या कह रही है, कुछ कह रही है? ये बोले फोर्थ फ्लोर। अच्छा वो कह रही थी फोर्थ फ्लोर। यूएस श्रीनिवास में कौन सी शादी में आयो, कौन सी शादी में आयो? अब्दुल्ला की शादी में बेगाने। कौन सा होता है वो, किसकी शादी में? अब्दुल्ला की शादी में बेगाने। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला की शादी में किसकी? मतलब यार इतना प्रीटी लग रहा है ना। बैंकेट वगैरह होते हैं ना, बैंकेट हॉल वगैरह होते हैं ना, उसकी तरह लुक्स है। एक अलग ही वाइब्स आ रही है ना। ये है आम जिंदगी, ये है यहाँ का वॉशरूम, ये है मेंटोस जिंदगी। तो गाइस अभी हम आ गए दुबई और यहाँ सब कुछ सोने का है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और ये देखिए, ये दीवार में से पाइप निकल रहा है, ये रहा, ये ये ये, और ये देखो सुनहरा पानी। और एक चीज और देखो, आप इधर आओगे, आप इधर क्या फ्रेश हो गए, कोई दिक्कत नहीं। इधर सनी इधर बगल में खड़ा हुई है, ये देखो यहाँ से सब दिखेगा। इधर से भी देखो, ये क्या फिल्म है भाई, इससे अच्छा तो नहीं भी रखते तो भी चलता है। लेकिन देखो सोने का काम हो रहा है सारा का सारा। तो अभी इंटरवल हो गया है और हमने खाना ऑर्डर कर दिया है, पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक वगैरह। बाकी ज्योति अभी थिएटर में बैठी हुई है, थोड़ी देर में लेके जाते हैं, फिर आगे मिलते हैं, खत्म करके कैसा एक्सपीरियंस आपको बताते हैं। चलो वरना इतनी पुरानी मोटरसाइकिल कौन ठीक करवाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, बाइक गैरेज में पड़ी पड़ी सड़ रही थी, घंटा इमोशनल। हम तो बस ये नहीं चाहते कि क्रिमिनल मरे। मूवी खत्म हो गई और हम आ गए बाहर, और वहाँ का जो एक्सपीरियंस था बहुत ही अमेजिंग था, मतलब बहुत ही ज्यादा PVRs और आइनॉक्स से बहुत अलग था, और सब कुछ गोल्ड गोल्ड हो रखा था, US सिनेमा, तो काफी बेटर एक्सपीरियंस था। और इससे पहले हमने गोल्ड का भी बनाया हुआ है, तो वो वीडियो भी चेक कर लेना। और वहाँ पे सनी गया बैग लेने, तो अब हम जा रहे हैं घर की ओर। अब हम हो गए बिल्कुल वहाँ से पूरा एग्जिट, और अब हम जा रहे हैं घर, हमें अपनी ओला बुक कर दी। तो व्लॉग को यही एंड करते हैं और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, जब तक के लिए टाटा।